यहाँ पे हमारा एयर कूल चिलर एक जिसमें लगी हुई है चिल वाटर लाइन में टेम्परेचर मीटर। टेम्परेचर मीटर दोस्तों हम किस लिए यूज़ करते हैं, इसे टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं ये थर्मामीटर कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये थर्मामीटर को हमें क्या करना है, टेम्परेचर मीटर को रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करना है दोस्तों क्योंकि ये डिफेक्टिव है। आप देख सकते हैं हम किस तरीके से रिप्लेस करना है, हमें क्या करना है, बस उसके यूनियन में जो कि उसका ब्लॉक होता है उसको एक रिमूव कर लेना है, एडजस्टेबल्स के थ्रू घुमा लेना है, ये इजीली रिमूव हो जाएगा, ब्लॉक अंदर ही रहेगी। अगर आपका चिल वाटर चलता भी रहे, सप्लाई है उसमें, वाटर फ्लो है, तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए किस तरीके से ये निकल गई, पर वाटर का एक भी ड्रॉप नहीं आया बाहर, ठीक है। यू इस तरीके से ये निकल जाएगा। और दोस्तों लगाना कैसा, आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो है नया थर्मामीटर है, इसे हमें लगाना सेम, हमें क्या करना है उसे अंदर डालना है ब्लॉक में उसके, और टाइट कर देना एडजस्टेबल से कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे लगने के बाद हमारा थर्मामीटर किस तरीके से काम कर रहा है, टेम्परेचर बिल्कुल सही शो कर रहा है यहाँ पे। दोस्तों ये वीडियो किस तरीके से आप थर्मामीटर को चिल वाटर लाइन में चेंज कर सकते हैं।